लैंड फॉर जॉब घोटाले में सोमवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से ईडी ने पूछताछ की थी। वहीं आज ईडी ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने तेजस्वी यादव को बीते 19 जनवरी को पूछताछ के लिए समन भेजा था और 30 जनवरी को पटना स्थित कार्यालय में पेश होने के लिए कहा था। इससे पहले सोमवार को ईडी ने लालू यादव से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। केंद्रीय एजेंसी ने सोमवार सुबह करीब 11 बजे पटना स्थित कार्यालय में बुलाया, रात करीब 9 बजे बाहर जाने दिया। तेजस्वी यादव पटना स्थित ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। यहां उनसे लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ की जाएगी। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना स्थित ईडी दफ्तर के लिए रवाना हुए हैं। उनका काफिला ईडी दफ्तर पहुंचा, जहां उनसे लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ की जा रही है। तेजस्वी यादव की ईडी पूछताछ से पहले आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा था कि मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल होते हैं और ये कहते हैं कि ईडी सेवन सोरेन को ढूंढ रही है। कल लालू प्रसाद यादव के साथ हमने जो देखा, आज तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी यही चल रहा है। विपक्ष को मान लेना चाहिए कि उन्हें चुनाव भी लड़ना है और इन एजेंसियों से भी संघर्ष करना है। तेजस्वी के ईडी दफ्तर जाने से पहले आरजेडी विधायक राबड़ी आवास पर पहुंचे। उनका कहना है कि लालू यादव बीमार है लेकिन उन्हें परेशान किया जा रहा है। तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया हुआ है, हम घबराने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार ईडी से घबरा कर उधर चले गए, जिनका नाम हमने प्रधानमंत्री के लिए आगे किया वो भाग गए। अब कोई अपने बेटे का नाम नीतीश नहीं रखेगा, जिन्होंने रखा होगा वो भी बदल लेंगे। नीतीश नाम के साथ कोई नहीं चाहेगा कि लोग उसे पलटू राम कहें। तेजस्वी यादव से क्या सवाल पूछ सकती है ईडी? ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपके नाबालिग रहते आपके नाम पर थी? आपके पास कितने बैंक अकाउंट हैं उनकी डिटेल्स बताएं। आपके नाम से कितनी संपत्ति और कहां कहां है? आपने अब तक कितनी संपत्ति खरीदी है? अब तक आपने कितनी संपत्तियों को बेचा है? आपके द्वारा बनाए गए संपत्ति की जानकारी आपके परिवार को है या नहीं? AK इंफोसिस्टम कंपनी से आपका क्या संबंध है? अब तक आपकी जानकारी में कितनी संपत्तियां गिफ्ट के तौर पर मिली है? दिल्ली के जिस बंगले में आप रहते हैं उससे आपका क्या संबंध है? शक है कि वो बंगला आपका बेनामी संपत्ति है। गुरुग्राम के एक मॉल से आपका संबंध है? आप अपने कारोबारी डील खुद करते हैं या परिवार का कोई सदस्य आपकी मदद करता है? आपके कारोबार से संबंधित डील कौन करता है? रेलवे से संबंधित डील के बाद कई प्रॉपर्टी आपके नाम हुई, क्या ये आपकी सहमति से हुआ या आपके परिवार के किसी सदस्य की अनुमति से? क्या कोई संपत्ति से संबंधित बातचीत या जानकारी आपके परिवार द्वारा दी गई है? अगर हाँ तो किसने आपको इस मामले की जानकारी दी? कारोबार से संबंधित क्या कोई डील आपको बिना बताए भी हुई है? कम उम्र में ही काफी संपत्ति आपके नाम हो गई थी, क्या कभी इस मसले पर किसी से पूछा या कोई जानकारी ली? जब लालू को पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो उनकी बेटी और राजद सांसद डॉक्टर मीसा भारती का बयान भी आया था। उन्होंने कहा था कि वो खुद नहीं खा सकते, किसी को उन्हें खिलाना पड़ेगा। हमें नहीं पता कि उन्होंने खाया है या नहीं। ईडी का कोई अधिकारी नहीं है, बोलने के लिए तैयार हूँ। चूंकि चुनाव नजदीक है इसलिए पीएम डरे हुए हैं और ऐसी चीजें ही करेंगे। ये सरकार मेरे पिता को गिरफ्तार भी कर सकती है, लेकिन एक बीमार आदमी को गिरफ्तार करके उन्हें क्या मिलेगा? इतना ही नहीं, मीसा लालू यादव के लिए खाना लेकर ईडी दफ्तर भी पहुंची थी। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जो पहली चार्जशीट दाखिल की थी उसमें कारोबारी अमित कात्याल, लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, हेमा यादव और हद्यानंद चौधरी को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में ईडी और सीबीआई दोनों अलग अलग जांच कर रही है। सीबीआई मामले में 3 चार्जशीट फाइनल कर चुकी है।